वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत पॉपुलर डिश बना रहे हैं, बलोच टिक्का कढ़ाई, जो हाईवे पे बहुत पॉपुलर है, दूर दूर से लोग खाने के लिए जाते हैं, तो वो मेरे स्टाइल से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलें हम सबसे पहले अपना स्टोव ऑन करते हैं, हाई पे रखा है हमने ऑलमोस्ट, और अपना ऑयल डाल देते हैं। एक कप के आसपास ऑयल है लेकिन हम निकाल लेंगे क्योंकि चिकन को फ्राई करना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को चॉप करेंगे। ये ऑलमोस्ट एक गार्लिक का पूरा है और ये 2 इंच का टुकड़ा है, इसको हम रफली चॉप करना है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, और हम इसमें कर लेते हैं मशीन में, ठीक है। चलें इसको हम पीस लेते हैं। चलें बस 2-3 हमने ड्र ड्र किया उसमें तो हो गया। आप देखें ऑयल गर्म हो गया है, हम अपनी चिकन को सबसे पहले ऑयल में डालते हैं। देखें हमारे पास 2 पाउंड चिकन है, अच्छे खासे बड़े बड़े पीसेस हमने लिए, इसको हम डाल देते हैं ऑयल में। चले ये हमारा लास्ट भी चला गया, बस अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बेसिकली हमें फ्राई भी करना है और पकाना भी है, तो अब वो जो हमने गार्लिक और जिंजर को क्रश किया था वो टाइम आ गया है कि हम इसमें डाल दें, जब हमारी चिकन वाइट हो गई है। तो चल ये सारा चला जाएगा इसमें, जिंजर गार्लिक ढेर सारा चॉप, और अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारी हरी मिर्चें। अच्छा देखिए हरी मिर्चों पे हमने स्लिट मार दिया है, अदरवाइज़ वो फटेंगी अंदर जाके, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जितनी भी लेनी हो लेना, लेकिन एक्चुअली काफ़ी पड़ती है तो मैंने इस तरह 6-7 ले लिए। ये भी ऑयल में खूब ज़बरदस्त तरीके से फ्राई होगी। मिर्चों पे स्लिट डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं वो पड़पड़ हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है फुल है, ऑयल में जाके फट रही है, तो ये एक बेस्ट टिप है, याद रखिएगा स्लिट करके, चाहे कोई भी मिर्चें आप डाल रहे हो, छोटी हो बड़ी हो जो भी आपके पास मौजूद हो, लेकिन स्लिट करना ज़रूरी है। देखें ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब जब ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी जब तक हमें इसको भूनना है, और अगर आप चाहें तो इसको 2 कप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, आप फिर निकाल लें, लेकिन ये कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा डालने की। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैनेज हो जाता है तो कर लें, लेकिन आप चाहें तो उसको बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा शैलो कर रही हूँ। अच्छा 8 मिनट हो गई भुनते हुए, और हमारी चिकन बड़ी मज़े से ज़बरदस्त किस्म से ब्राउन हो रही है। आपकी भी जब ब्राउन हो जाए तब आप इसको कवर कर सकते हैं। और आँच को मीडियम कर देते हैं। मीडियम पे कवर हुए हुए 10 मिनट हो गई है, और अब नमक डालने का टाइम आ गया है, तो चले अब हम डालते हैं, खोल के भी देखते हैं। देखें कैसी ज़बरदस्त लग रही है, बस अब ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब हम इसमें नमक डालते हैं 1 टीस्पून भर के, चले 5 मिनट हम इसको कवर करके रखते हैं, और उस दौरान हम अपने ज़बरदस्त से मसाले भूनते हैं और पीसते हैं। तो ये हम चूल्हा ऑन कर देते हैं छोटे वाले फ्राई पैन का। चले हमारा चूल्हा मीडियम पर है,
और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून जो है वो गोल धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़बरदस्ती खुशबू लाएंगे। हमने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखी है और हिलाते रहेंगे ताकि हमारे ये भुने अच्छे से जले ना। देखिए 3-4 मिनट से हम ये भून रहे हैं और इसका अब हम ढक्कन खोल देते हैं और इसका चूल्हा तेज़ कर देते हैं ताकि ये रेडी तो हो गई, ये कुक तो हो गई, ये अब बस इसको हम फ्राई करेंगे दोबारा। चले ये अच्छा सा हमारा भून गया, इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा पिस गया। चलें अब हम इसको इस बोल में निकाल लेते हैं और इसके साथ ही हम कुछ और स्पाइसेस अपने मिलाते हैं। 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून क्रश पेपर यानी कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मेथी सूखी, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये सब चला गया इसमें। ये हमारा कढ़ाई का मसाला बन गया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम अपने फ्राई की हुई टिक्कों को निकालते हैं और यहाँ डालते हैं अपने दूसरे बर्तन में ताकि तेल अलग से आ जाए। अदरक लहसुन ये सब चला जाएगा इसमें, ये इसमें चला जाएगा सारा खुशबूदार मज़ेदार। ये देखिए हमारा इतना सारा तेल बच गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मसाले वाला डाल देंगे और तकरीबन ये आधे कप से ज़्यादा तेल हमारा बच गया है और इसमें हम अपने ये जो मसाले हमने पीसे थे ये डाल देंगे ऊपर से। ये सब चले गए। अब हम इसको हल्का फुल्का सा हिला देंगे। चले मसाला डाल दिया तो अब हम 2 मिनट के लिए अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं। 1 टेबलस्पून के आसपास लेमन जूस डाल देते हैं। चले अब हम हरा धनिया छिड़क देते हैं। चले हमने ऑयल वाले में से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो मसाला डालते हुए ही हमने चूल्हा ऑन कर दिया था। इसको 2 मिनट ही हुए हैं तो बस अब हम बंद कर देते हैं इसको। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया हाईवे टिक्का कढ़ाई या बलोच टिक्का कढ़ाई, दोनों नाम से बहुत पॉपुलर है, लोग दूर दूर से जाते हैं खाने के लिए। और आपने देखा कि रेसिपी भी कितनी डिफरेंट थी। और आपको ये मैं बता दूँ कि मसाले जो एंड में डाले थे लेकिन हमने भून लिए थे, उसको भून के पीसे थे तो वो भी भुने बनाए थे। यानी कि एक बड़ी अनोखी सी डिश है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लगता कैसे है, ट्राई करती हूँ। इतनी जूसी है, फ्राइड चिकन का एक मजा अलग है। फ्राई भी हुआ, ऑयल भी चला गया और ऊपर से भुने हुए चटपटे मसाले, बहुत डिफरेंट है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊंगी एक सिंपल जबरदस्त और इजी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।